बात करेंगे दोस्तों वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को दूसरे भाव में गोचर करेंगे। अब दूसरे भाव में जब गोचर करते हैं राहु देव, तो धन स्थान हो गया दूसरा, तो धन के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। धन कम आएगा कि ज्यादा मैं बताता हूं आपको। अगर आपकी कुंडली में राहुदेव उच्च के हैं या राहुदेव बहुत अच्छी स्थिति में है, तो सेकंड में जब गोचर करेंगे तो मान के चलिए बहुत 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 फायदा देने वाले हैं। वृषभ राशि या वृषभ लगन से देखेंगे तो मिथुन यानी सेकंड हाउस हो गया। सेकंड हाउस मतलब धन का, तो धन बढ़ने के चांसेस हैं, धन बहुत ज्यादा बड़ा धन मिलने के चांसेस बनते हैं। लेकिन अगर राहु आपकी कुंडली में नीच के हैं तो हो सकता है बड़े धन की हानि भी दे दें, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा वाद विवाद से बचे, कड़वे वचनों से बच के रहिएगा। कड़वे वचन थोड़ा माहौल बिगाड़ सकते हैं, थोड़ी स्थिति खराब कर सकते हैं। फाइनेंशियल कुछ उलझने हो सकती है, बशर्ते अगर नीच के हों तो। अगर उच्च के हैं या नॉर्मल हैं तो आपको वृक राशि वालों को राहुदेव बहुत बड़ा फायदा देने वाले हैं। अब केतु आठवें घर में रहेंगे तो भ्रमण भी बहुत कराएंगे। ये साल आपकी जर्नी बहुत होगी, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे आप। घूमना फिरना बड़ा लगा रहेगा, जर्नी को नए बिजनेस की रूपरेखा भी बनाएंगे। ऐसा काम जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट या विदेश के साथ जुड़ा हुआ, उसमें बहुत ज्यादा लाभ देंगे आपको। लेकिन दूसरे की जिम्मेदारी गारंटर मत बनिएगा, बड़ा धन आपका फंस सकता है। उपाय के तौर पर वृक राशि वाले व्यक्ति भैरव मंदिर में जाकर के काले रंग की ध्वजा चढ़ा दीजिएगा बुधवार के दिन या संडे के दिन। अगर आप ये उपाय करेंगे और यकीन मानिए वृषभ राशि वालों को राहु देव ने माला माल कर देंगे, खुशियां दे देंगे।